कहते हैं कि पिता और पुत्र का रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जब बताया ये जाता था कि किस तरीके से एक पिता पूरी अपनी उम्र जो है अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता है, उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, उनकी विशिंग्स को, वेलनेस को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत लगा देता है। और जब उस पिता को बच्चे कुछ गिफ्ट करते हैं तो उसकी गिफ्ट की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। और जब उन्हें ये पता चलता है कि एक ऐसा नायाब तोहफा उन्होंने अपने पापा को गिफ्ट करा है, उन्होंने अपनी फैमिली को गिफ्ट करा है, तो पापा का खुश होना भी लाजमी होता है। अगर आप भी उस तोहफे के बारे में जानेंगे, अगर आप भी उस चीज़ के बारे में जानेंगे, तो आप भी एक बार सोचकर ज़रूर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये जो गिफ्ट है ये आयुष ने अपने पापा को गिफ्ट किया है। क्योंकि इस ये जो ये लेटर है, ये लेटर सीधा नासा से आया है, जिस पे लिखा हुआ है अ वंडरफुल गिफ्ट बाय आयुष। जी हाँ, और ये नासा का लेटर है जो कि लिखता है वेलकम टू द मून। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसे पर्सन थे जो 1969 में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है मून पर जाकर यानी कि चांद पर जा करने की कोशिश की थी। और कहीं ना कहीं उसके बाद कयायत ये आई कि लोगों का कहना था कि खैर अब हम धरती की बजाय चांद पर भी अपनी ज़मीन ले सकते हैं। तो आयुष ने अपने पापा को ये बहुत सारी चीज़ें और 3 एकड़ के करीब ये लैंड जो है गिफ्ट किया है। इंटरनेशनल लूनर लैंड अथॉरिटी के ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं अपने चेहरे अपने स्क्रीन पर। और हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष जी। सुभाष जी के बेटा है आयुष, जिसने अपने पापा को ये गिफ्ट किया है। और मैं बताना चाहूँगा, सुभाष जी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि धरती पर ही ज़मीन लेना आजकल तो सपना हो चुका है, लेकिन आपके बेटे ने आपको एक गिफ्ट दिया, और गिफ्ट एक ऐसा कि आप जो हैं हमेशा मतलब चांद पर जो ज़मीन लेने का गिफ्ट दे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बेटे का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई। ऐसे जो पुत्र हैं सपूत सभी को मिले जी। और देखो, चांद पे जब हम छोटे छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तब कहानियाँ सुना करते थे, चंदा मामा की कहानियाँ सुना करते थे, दादा परदादा ताऊ चाचे हमारे हमें ये कहानियाँ सुनाया करते थे भाई, चांद पे ये है, चांद पे वो है। लेकिन जी, जी, कभी मतलब ये चीज़ था नहीं अब ये संभव हो पाएगा, लेकिन ये असंभव से संभव करके दिखाया है मेरे बेटे आयुष ने, जो पिछले लगभग 3 वर्षों से अधिक समय से, लगभग 4 साल के आसपास से वो कनाडा में रह रहा है। और अभी पीछे 2 महीने के लिए आया हुआ था, वैसे ही बैठे बैठे बात चल रही थी भाई, चांद की कोई बात हो रही थी भाई, किस दिन एक कोई दिन ऐसा भी आएगा भाई चांद पे भी अपनी प्रॉपर्टी होगी। तो उसने उस बात को सर्च किया और मतलब लगभग 20 या 25 दिन के अंदर मेरे नाम से 3 एकड़ ज़मीन जी। ज़मीन वो कोई छोटी मोटी ज़मीन नहीं है, 3 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, वो मेरे नाम से रजिस्ट्री करा के उसने मेरे पास पोस्ट किया। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है हाथ में रजिस्टर्ड क्लेम की प्रॉपर्टी का, ये आपका कागज है, सुभाष चंद्र नाम लिखा है, अब तो पूरा आसमान और चांद आपके हाथ में होगा। क्योंकि कहता है 3 एकड़ बहुत बड़ा लैंड है, मतलब कि भारत में हमारे लिए अभी तक सपना है अपनी ज़मीन लेना। हर लोग आम आदमी का ये सपना होता है कि वो अपना घर जो है धरती पर बनाए, लेकिन आपकी जो लैंड का हिस्सा है वो आपका चांद पर भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी महसूस हो रही है? मैं बताना चाहूंगा सुभाष जी हैं फर्स्ट ओनर हैं हरियाणा के, जिन्होंने पहली बार जो है चांद पर 3 एकड़ का लैंड अपने नाम किया है, बदौलत उनके बेटे आयुष ने उन्हें गिफ्ट किया है, और एक ऐसा नायाब तोहफा जिसको लेकर पिता गदगद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं देखो, मैं बेसिकली एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, और शुरू से मन में ये बातें होती थी भाई कोई कुछ काम ऐसा किया जाए जिससे मेरे गांव का, मेरे प्रदेश का, मेरे देश का नाम रोशन हो, या मेरा गांव सुर्खियों में रहे जी। तो उसी संदर्भ में हमेशा ये बात दिमाग में चलती रहती थी, और आज मेरा ये सपना पूरा हुआ है। सपना पूरा मतलब महसूस ऐसा कर रहा हूँ भाई, अभी मेरे पांव जो खुद खुद
खुद के वो जमीन पे नहीं है। जमीन पे नहीं है तो पांव तो जमीन पर होने ही नहीं थे, क्योंकि आपकी जमीन जो है चांद पर है। और हम कहेंगे कि बोर्डिंग पासेस हैं सुभाष जी के नाम के आ चुके हैं, घर में यह खुशी का माहौल है क्योंकि बेटे ने एक अपना गिफ्ट जो है पापा को दिया है, बेटे ने पापा को दिया है। बेटा कौन से गाँव से सुभाष जी, क्योंकि गाँव का नाम बहुत जरूरी है। मैं बेसिकली मेरा जो गाँव है वो डिस्ट्रिक्ट करनाल में है, गाँव कमालपुर रोडान जी। कमालपुर रोडान काफ़ी बेचाव गांव है कमालपुर रोडान, और आईबीएन 24 का बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कमालपुर रोडान में हैं, आपको देख रहे हैं, बहुत प्यार हमें वहां से मिलता है। क्या कुछ हमारे व्यूअर्स तक कहना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले तो आप लोगों को धन्यवाद भी दूंगा भी आप लोग हमारे पास पहुंचे हैं, ये खबर सुन के, न्यूज़ सुन के आप लोगों को पता लगा हमारे तक पहुँचे, और आपके व्यूअर्स को, आपके जो दर्शक हैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि वो आप लोगों को इतना फॉलो करते हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और मतलब मेरे को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अभी तक हमारे लिए धरती पर लैंड लेना एक सपना है, लेकिन जो आज है सुभाष जी के बच्चे आयुष ने उनके पापा को एक बहुत ही नायाब गिफ्ट दिया है और बहुत खुशी उन्हें हो रही है। तो सर इसका प्रोसीजर क्या कुछ रहा, कि कब तक ये लैंड है अलॉट हो पाती हैं, क्या कुछ रहा, आपको कुछ अगर जानकारी हो या फिर किस ऐसा कुछ? इसके बारे में अभी इतनी जानकारी तो मेरे को नहीं है, क्योंकि बेटे को ही सारा इसके बारे में पता है क्या किया कैसे किया है, लेकिन हाँ इतना है इसको परचेज जैसे करते हैं तो लगभग 20 से 25 दिन का प्रोसेस होता है, जो आपको आपको डॉक्यूमेंट पहुंचने तक जी। और मैं बताना चाहूँगा हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है जिसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इनकी जो है लैंड आपको दिख रही है उस पिक्चर में, और मैं वो दिखाना चाहूँगा पिक्चर आपको। ये देखिए, ये वो नायाब लैंड का कोना है जो सुभाष जी ने अपने नाम कर लिया है, अपने नाम, अपने बच्चे के नाम कर दिया है, और उनको एक गिफ्ट मिला है। और मैं बताना चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बेटे के लिए? बहुत खुश है बेटा, क्योंकि आज आपको भी देख रहा होगा और एक ऐसा नायाब तोहफा है, तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी भी होती है। बेटे के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अभी आज ही बात हुई थी बेटे से, और बेटा गिफ्ट देकर भी बहुत खुश है, और उससे ज़्यादा खुश मैं उसको पाकर हूँ भाई। ऐसा गिफ्ट मेरे को नहीं लगता किसी बेटे ने किसी अपने पापा को दिया होगा। मैं इसके लिए मतलब बहुत बड़ी अच्छा फील कर रहा हूँ जी। तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फील करना इसलिए भी बनता है क्योंकि इन्होंने जो है अपनी ज़मीन चांद पर ली है, और ऐसे चांद पर नायाब जो है अब ज़मीनें अलॉट हुई हैं। तो खैर महज एक सपना ही लगता था, लेकिन सपना साकार हो चुका है। सुभाष जी हमारे साथ थे जिन्होंने हमें जानकारी दी। रेखा जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? बच्चे ने इतना नायाब तोहफा आपको भी दिया है, आपके हस्बैंड को भी दिया, सबसे पहला एक्सप्रेशन आपके क्या थे, क्या कुछ लगा था जब आपको पता चला कि आप अब चांद की मालकिन भी बन बैठी हैं 3 एकड़ की? अच्छा लगा। क्या कुछ और कहना चाहेंगे कि अच्छा खुशी महसूस हुई है, लेकिन अब आपको एक बार ये कि भाई आजकल सपना है जमीन धरती पर ही लेना, और बेटे आयुष ने आपका वो सपना साकार किया है? हाँ जी, अच्छा लगा है। और क्या कुछ कह सकती हैं, कि क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आज देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे हर एक माँ बाप को मिले जो कि उनके इस तरह के सपने पूरे करें? हाँ जी, तो ये बच्चे सबको ऐसे ही मिले जैसे हमारा लड़का है जी। तो अब मालकिन बन गई हैं चांद पर, आपकी एक ज़मीन का टुकड़ा है, क्या कुछ और भी? काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं बधाई के लिए, जिनको जानकारी मिल पा रही? हाँ जी, फोन आ रहे हैं तो कम से कम 1000 फ़ोन कल में आया, 1000 फोन कम से कम, और मेरे गांव से कम आधे गांव का फोन मेरे पास आया। एक फोन कटता नहीं था, 4 वेटिंग में चलते थे। अब कैसा लगता है आपको कमालपुर रोडान की आप बहू थी, करनाल के पास में उनका गांव है, आज उन लोगों को पता चल रहा है कि आज उसका गांव का नाम भी आपका रोशन हो रहा है, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो मैम ने बताया कि बहुत अच्छा है, और अच्छा क्यों ना लगे, क्योंकि बच्चों ने इस प्रकार का नायाब तोहफा अपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया है। तो अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाज़त, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका भी सपना है ज़मीन लेने का तो आप भी गूगल पर जाकर सर्च ऑन कर सकते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा था देखता रहिएगा, मुझसे हमको दे दीजिए इजाज़त। ताज़तरीन खबरों के लिए बने रहिए IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।